खर्चो, अरे थाला भूला खर्चो गणिन गई, ये आपको बिगाड़ रहे हैं। यदि आप खर्चो अत्र करो तो समाज रहा बच्चों रे वास्ते कई जगह हॉस्टल और कॉम हेलेरिया है, स्कूल और कॉम हेलेरिया है, आप बटे आप योगदान क्यों नहीं दियो? वो खर्चा नहीं है, वो आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और अपनी दुकानें चला रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है, क्योंकि गलती तो हम ही करते हैं, मैं आपको कहूं कि अफीम खा तुझे महादेव की कसम है, तो के बाप जी छोटी कसम, मुझे अफीम खाकर महादेव की कसम नहीं रखना, वो तो महादेव जी प्रसाद है बाप जी, महादेव ने तो हला हल नामक जहर पिया था, यदि उसकी एक बूंद पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी जल जाती, वो हला हल महादेव ने ग्रहण किया था। बाप जी अपने बिछू में जावे, देखो महादेव की बात नहीं करनी, महादेव की बराबरी हम नहीं कर सकते। इसलिए आपसे यही निवेदन है अभरा राम जी, रूढ़ा राम जी और समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूं, हम कई जगह नशा मुक्ति शिविर भी चला रहे हैं और शिविर के माध्यम से लोगों से आग्रह करते हैं कि आप नशे से दूर रहें, व्यसन को छोड़ो, आपने सब कुछ हासिल कर लिया पर यदि आपके जीवन में नशा आ गया समझो आपका जीवन का नाश हो गया। इसलिए निवेदन है कि नशे से दूर रहें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। खेमराज जी ने कहा मुझे जल्दी, मैंने कहा मुझे भी जल्दी है, पर यहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं ने कहा कि बाबू जी विशेषकर आपको रुकना है और नशा के प्रति आपको जोर देना है, यहाँ से सबको संकल्प दिलवाना है कि यहाँ से हम लोग सब नशा को यही छोड़ कर जाएंगे, आज के बाद कोई नशा नहीं। आप सबकी जिम्मेदारी है महाराज, जितने पक्ष पटेल बैठे हो आप सबरी जिम्मेदारी, बच्चा समझ में आवे नहीं समझो मुँह मारवाड़ी बोलू, फौरी हैंगोरी जवाबदारी है। यदि आवा वाली पीढ़ी आज देवासी समाज के ऊपर यदि कोई भरोसा करें, वो अपनी बदौलत नहीं है महाराज, अपना वडील पूर्व जो भरोसा लोगों कमाईड़ो है वन बदौलत ही लोग अपने ऊपर भरोसा करें। लोग कहेंगे रबारी माता भरोसो, वो अपनी बदौलत नहीं, अपना पूर्वजों की बदौलत, वे लोग फाटो कपड़ों पहरियो पर लोगों रो